हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई खबर लेके आया हूं जो कि 10वीं और 12वीं क्लास के परीक्षाओं को रद्द करने के बारे में है। तो देखते हैं पूरी खबर को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएँ जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ब्रेकिंग न्यूज जो हाल ही में रिलीज हुई है। CBSE 10वीं और 12वीं के बचे हुए एग्जाम रद्द, जानिए कैसे मिलेंगे नंबर। देखते हैं पूरी खबर को। CBSE बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देश भर में कोरोना वायरस के लगातार तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत को अपने इस फैसले से अवगत कराया। CBSE बोर्ड की लंबित परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होनी थी, मगर एग्जाम को रद्द करने को लेकर कुछ पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने CBSE से पूछा था कि क्या परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। इसी के बाद अब बोर्ड ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कोर्ट को 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द करने के फैसले की जानकारी दी है। तो दोस्तों, इस खबर से हमें ये पता चलता है कि CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब जानना ये है कि सभी विद्यार्थियों को किस आधार पर प्रमोट किया जाता है, इसके बारे में अभी तक CBSE ने कोई जानकारी नहीं दी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।